खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां वार्ड 3 में एक युवक के गंभीर घायल अवस्था में मिलने पर परिजनों ने उसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बीकानेर रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार वार्ड 3 निवासी मोहनलाल घर की छत पर सो रहा था और गुरुवार सुबह युवक घर के दरवाजे के पास घायल अवस्था में मिला। सूचना पाकर पहुंचे थाना अधिकारी मोहम्मद अनवर और CO दुर्गपाल सिंह राजपुरोहित ने मौका मुआयना किया और हत्या का संदेह जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक युवक कस्बे में मिस्त्री का काम करता था। वार्ड नंबर 3 रावतसर निवासी मोहनलाल उर्फ मिट्टू रात को अस्पताल में भर्ती हुआ, अस्पताल से बीकानेर रेफर किया, बीकानेर रेफर के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मोहनलाल के चोटें लगी हुई थी और चोटें भी ऐसी लग रही थी कि स्वाभाविक चोटें नहीं आ सकती, किसी अन्य तरीके से ही लगी हुई है। तो इस बारे में घटनास्थल का निरीक्षण किया है श्रीमान CO साहब ने और हमने, तो उसमें वारदात लग रही है और घर की ही लग रही थी, थोड़ा संभावित लग रही है। फिर जाँच का विषय आगे जैसे भी कार्रवाई होगी जैसे भी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता जगत जोशी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी जगत, ये बताएं कि क्या कुछ है पूरा मामला। जी नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि रावतसर वार्ड 3 में जो युवक की मौत हुई है, इसमें पुलिस प्रथम दृष्टया हत्या का मामला मानकर चल रही है। इस संबंध में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसकी भाभी को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। थाना अधिकारी ने अभी बात हुई मेरी तो उन्होंने बताया कि पूछताछ में लगभग यही लग रहा है कि इन्हीं महिलाओं द्वारा ही हत्या की गई है, लेकिन शेष पूरी जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी। कोई खुलासा अभी तक इस मामले में हो पाया है? जी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।